नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मन्नत गार्डन एंड लाइफस्टाइल में। फ्रेंड्स, ये मेरा इंडोर का हिस्सा है जहाँ पर मैं कुछ अपने इंडोर प्लांट्स वगैरह जो है वो ग्रो करती रहती हूँ। और इस साल में ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने वर्टिकली मनी प्लांट जो है वो ग्रो करके रखी हुई है। और इसकी जो बेल है फ्रेंड्स, वो काफ़ी नीचे तक जा रही थी और बड़ी हेल्दी इसकी ग्रोथ हो रही थी। ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी नीचे तक ये बड़ी अच्छी इसकी ग्रोथ जा रही थी, लेकिन बारिश की वजह से, ओलों की वजह से ये देखिए फ्रेंड्स क्या हालत इसकी हो चुकी हुई थी। और ये देखने में अब कुछ अच्छी भी नहीं लग रही है, तो मैं इस बेल को निकाल दूंगी और इसमें जो भी हेल्दी हेल्दी जो कटिंग्स होंगी फ्रेंड्स, वो हम सेव कर लेंगे। और यकीन मानिए, ये बहुत ही हेल्दी ग्रोथ थी। यहाँ पर ना ज़्यादा धूप आती थी और ना ही ज़्यादा कम छांव रहती थी। ये अच्छे एटमॉस्फेयर में ये मेरी मनी प्लांट जो थी वो ग्रो हो रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको मैं कट करके फिर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, मैंने सारी जो बेल है वो उतार दी हुई है और काफ़ी इसके लीव्स वगैरह जो थे वो बारिश की वजह से डैमेज हो चुके हुए थे। और अब मैं हेल्दी हेल्दी वाली जो कटिंग्स हैं वो मैं यहाँ से ले लूँगी। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, मनी प्लांट तो वैसे भी बड़ी इजी टू ग्रो होती है। आप चाहें तो इसको मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको वाटर में इसको ग्रो कर सकते हैं। और ये सिंगल एक लीफ से भी ये बड़ी आसानी से प्रोपोगेट हो जाती है, तो मैं इसको एज ए सिंगल लीफ ही इसको कट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने बास्केट रख ली हुई है, तो जहाँ से मैं जितनी भी कटिंग्स मुझसे हो सकता है तो मैं निकालने की कोशिश करूँगी। फ्रेंड, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, मैंने बहुत सारी जो मनी प्लांट की कटिंग्स थी हेल्दी वाली, वो मैंने इस बास्केट में मैंने निकाल दी हैं। तो आप इसको चाहे तो मिट्टी में ग्रो करें, चाहे तो आप इसको पानी में ग्रो करें, चाहे तो इसकी हैंगिंग बास्केट बनाएं, बहुत ही खूबसूरत लगेगी। मैं इसको पानी में ग्रो करने वाली हूँ। यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक कांच का कंटेनर लिया है जहाँ पर मैंने कुछ स्टोन्स भी डाल के रखे हुए हैं। तो अब मैं इनकी जो कटिंग्स है वो मैं सारी की सारी इसकी इस कंटेनर में डाल दूँगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने मैक्सिमम जो कटिंग्स थी वो सारी इस कंटेनर में डाल दी हैं। बहुत ही ये खूबसूरत लग रही हैं और आप इसको कहीं पर भी इंडोर जाके रख दें, चाहे आप किसी इसको विंडो साइड एरिया में रख दें, चाहे कहीं डाइनिंग एरिया में, इवन के किचन में भी आप इसको रख सकते हैं। बहुत ही ये खूबसूरत लगती है। और फ्रेंड्स, जो कटिंग्स बच गई हुई हैं उनको मैं मिट्टी में लगा दूँगी और इसको मैं कहीं इंडोर जाके शिफ्ट कर दूँगी। Thank you.
फ्रेंड्स यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, मैंने मनी प्लांट पानी में भी लगा दी है और उसको मिट्टी में भी इस पॉट में मैंने लगा दी थी, और कुछ एक्स्ट्रा बची हुई थी उसको मैंने वो रेड वाले मग में लगा दी है। और आशा करती हूँ आज की शेयरिंग आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।